और पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो फिर जाने के लिए कितनी दफ़ा सोचना पड़ता है। वैसे तो हमें अपने बच्चों के रिज़ल्ट का पता ही होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं यार अब क्या जाएं, फिर मीटिंग होगी और फिर क्या। तो इस दफ़ा बच्चों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, इस दफ़ा क्या बल्कि कि हर बार ही अच्छा आता है उनका रिज़ल्ट। तो जाना था स्कूल से, कॉल भी आई हुई थी कि आपने लाजमी आना है, तो जा रहे हैं मीटिंग पे। How are you? I'm fine, ma'am. Ma'am? Anna. क्या हो रहा है? यहाँ पे my secret बात हो रही है। अच्छा, ऐसी भी क्या secret बात है आपकी? पता तो चले हमें भी। हम आप सब को बताएंगे, आप लोग देखते रहना चाहते हो। अच्छा, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। फिर भी हिंद को बोल रही हो? मैं इनको नहीं बोल रही। तो सीधी सीधी हिंद को बोलो ना। इनको किस तरह? पश्तो। पश्तो अलग होती है, हिंद को अलग होती है। हिंद को अलग कैसे मतलब? बोलो। हिंद को जैसे हम दादू के साथ बोलते हैं वो वाली हिंद को बोलो ना। तुसी क्या करने? और भी बोलो ना। तुसी क्या करते हो? तुसी क्या खाने पे हो? आप बोलो हिबा। क्या उर्दू के साथ साथ आपको फीस बान भी तो आनी चाहिए ना कि नहीं? आती है। पहले बड़ों की सीख लो। मामा मैं बान बंद कर दो। ये बंद ही है ना। चलो खाना खाएं। नहीं। खाना नहीं खाना आपने? चलो आ जाओ खाना खाते हैं। आ जाओ, सो के उठी हो तो भी जाएंगे खाना खाने। तो यहाँ पे सब बैठे हैं खाना खाने, दस्तरखान बिछ गया है और सब इस पे बैठ के खाना खा रहे हैं। इस पे बैठ के नहीं, मतलब कि इसके साइड पे बैठ के, बस इसके ऊपर खाना रखा हुआ है और सब ने खाना है खाना। और जब दलीम बनी और उसके साथ उसका अपना मसाला ना हो, ये तो मज़ा ही नहीं आता। चाट मसाला, लेमन और धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज ब्राउन किया हुआ, तो ये इसके साथ हो और फिर बहुत मज़ा आता है। और वैसे इसे रोटी के साथ नहीं खाती, कि आपकी चॉइस है आप रोटी के साथ खाएं या ना खाएं, क्योंकि वैसे भी हेल्दी होती है रोटी के बगैर भी। तो लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मेरी बेटी कह रही थी मम्मा रोटी के साथ खाओ बहुत मज़ा आता है, अब ज़रा रोटी के साथ तो खा के देखो। तो मैंने कहा चलो बच्ची ये कह रही है तो उसकी खातर खा लेते हैं।